किसी एक समय की बात है, प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ के राजा अमरसेन बड़े ही दयालु और नेक दिल इंसान थे। उनके राज्य की प्रजा बहुत ही सुखी थी। वो हमेशा राजा को धन्यवाद देते थे। राजा के आसपास के राज्य के साथ भी बहुत अच्छे संबंध थे। राजा हमेशा दूसरों की मदद करते थे, इसीलिए राजा को दूसरे राज्यों से हमेशा ही तोहफे आते थे। एक दिन राज्य में एक विदेशी युवक आया हुआ था। उसे अमरसेन जी के बारे में कई सारी अच्छी बातें पता चली, तो वो राज्य के लोगों के साथ राजमहल में आया कि तभी एक औरत रोते रोते आई और वो महाराज जी से, महाराज मेरे पति को क्या हो गया, वो सुबह से उठ भी नहीं रहे, कुछ बोल भी नहीं रहे और वैद्य जी को बुलाया तो वो घर पर भी नहीं है, आप ही कुछ कर सकते हैं महाराज। मंत्री भारत, आप अभी के अभी सैनिकों को इस औरत के साथ भेजिए और रघु को महल में लाने के लिए कहिए। राज वैद्य जी को भी अभी के अभी बुलाइए। लेकिन महाराज, राज वैद्य जी भी राज्य से बाहर गए हुए हैं। ठीक है, तो रघु को दूसरे राज्य के वैद्य के पास लेकर जाने की व्यवस्था की जाए। आप और सेनापति भी साथ जाइए। जी महाराज। राजमहल में जो कुछ भी हो रहा था वो सब विदेशी युवक एक जगह खड़ा रहकर देख रहा था। मंत्री महल से जाते ही विदेशी युवक महाराज के पास आकर, महाराज आप कितने दयालु हैं, आप अपने नगर के लोगों का दुख अपना समझकर लोगों को मदद करते हैं। जी मेरे लिए मेरे प्रजा का सुख ही मेरा सुख है, मेरी प्रजा मेरा परिवार है। बहुत अच्छा महाराज, मैं आपको कुछ देने के लायक तो नहीं हूँ, बस ये एक पत्थर है जो मैं मेरे देश से लेकर आया हूँ, वो आप रख लीजिए। आप हमारे राज्य में आए हैं यही बहुत है, आप हमारे अतिथि हैं, अगर आपको कुछ तकलीफ हुई है तो बताइए। जी नहीं महाराज, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप जैसे महान राजा से मिलने का मौका मिला। ऐसा कहकर वो युवक महाराज को एक पत्थर देता है और वहाँ से चला जाता है। महाराज को वो पत्थर बहुत ज्यादा पसंद आता है। महाराज अपने मंत्रीगणों में से एक से, मंत्री जी इस पत्थर से एक सुंदर सी मूर्ति बनाकर लाइए, जो भी अच्छा कारीगर होगा उसे ढूंढिए और कृष्ण जी की एक सुंदर सी मूर्ति बनाइए कि जिसे देखकर ऐसा लगे कि मानो भगवान साक्षात हमारे राज्य में पधारे हों। जी महाराज। मंत्री राज्य के कई सारे कारागिरों के पास जाते हैं, लेकिन उनमें से एक को चुनकर उससे, इस पत्थर से एक अच्छी कृष्ण जी की मूर्ति बनाओ, तुम्हें इनाम में 100 सोने के मोहरे मिलेंगे। दिखाइए तो मंत्री जी। ये लो। नहीं नहीं मंत्री जी, मैं तो इस पत्थर से मूर्ति नहीं बना पाऊंगा। अब मंत्री जी दूसरे कारागिर के पास जाते हैं, तो दूसरा कारागिर उस पत्थर को एक आकार देने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें असमर्थ रहता है। वो मंत्री जी को वो पत्थर वापस दे देता है, लेकिन यहाँ पर मंत्री जी को पत्थर से मूर्ति तो बनानी ही थी, क्योंकि राजा का ऐसा आदेश ही था। अब मंत्री जी उस पत्थर को एक छोटे से कारागिर के पास लेकर जाते हैं, जिसका ज्यादा नाम नहीं था, लेकिन वो कारागिर एक मेहनती कारागिर था जो लगन से अपना काम किया करता था। वो मंत्री जी से उस पत्थर को ले लेता है और कुछ ही दिनों में सुंदर सी मूर्ति बना कर देता है। जैसे ही मंत्री जी उस मूर्ति को देखते है वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और महाराज के कहे अनुसार उसे सोने की मोहरे दे देता है। अब मंत्री जी मूर्ति को लेकर घोड़े पर बैठ जाते हैं और जाते जाते रास्ते में सोचने लगते हैं कि अगर उस पहले कारागिर ने ये कोशिश की होती तो शायद ये सोने की मोहरे उसी की होती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम कोशिश करके देखते हैं तो हम उस चीज को पा सकते हैं, लेकिन अक्सर हम आखिर में हार मान ही लेते हैं। मधुपुर नाम के गांव में रघु और गीता दोनों पति पत्नी रहा करते थे। रघु बहुत ही गरीब इंसान था। वो सुबह जल्दी जाकर खेतों में काम करता और दोपहर के समय गांव के जानवरों को पहाड़ों पर लेकर जाता। उससे जो कुछ पैसे मिलते उससे अपना गुजारा करता। उसे एक श्याम नाम का बेटा था। रघु गरीब इंसान था लेकिन मन से बहुत ही अमीर था। एक दिन श्याम रघु से, पिताजी अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है, आप मुझे गिफ्ट में क्या दोगे? बेटा श्याम, अभी तो मेरे पास कुछ पैसे ही नहीं है, लेकिन हाँ बेटा, तुम्हारे जन्मदिन तक मैं कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर दूंगा। ठीक है पिताजी। अपने पिताजी को ऐसा कहकर वो बाहर खेलने के लिए निकल जाता है। अजी आपने श्याम से झूठ क्यों कहा?
हम कहाँ से लाएंगे पैसे? पहले के भी तो पैसे जमींदार के देने बाकी है। गीता तुम चिंता मत करो, अगर मैं शाम को मना कर देता तो उसको बहुत बुरा लगता। देखता हूँ कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो खाना खा लेते हैं। अब तीनों खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन शाम स्कूल चला जाता है और अपने दोस्तों के साथ खेलने लगता है। तभी उसके कपड़े देखकर क्लास का एक बच्चा उसे चिढ़ाने लगता है, लेकिन शाम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता और घर चला आता है। घर आकर अपनी माँ से, माँ हम इतने गरीब क्यों हैं? माँ मेरे सब दोस्त अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और अच्छा अच्छा खाते हैं, हम ही ऐसे क्यों हैं माँ? बेटा श्याम, तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे पिताजी और मैं कितना काम करते हैं, तब जाकर हमें दो वक्त की रोटी मिलती है। मुझे कुछ नहीं सुनना माँ, मुझे भी अच्छे कपड़े चाहिए। ऐसा कहकर गुस्से से बाहर चला जाता है। शाम के समय रघु घर आने पर गीता रघु को सारी बात बताती है। रघु को भी इस बात से बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। अब दूसरे दिन वो गांव के जमींदार के पास से कुछ पैसे लेकर आता है और शाम के लिए कुछ कपड़े खरीदने के लिए चला जाता है कि तभी उसे रास्ते में एक बकरी सड़क पर ठंड से कांपती हुई दिखाई देती है। रघु उसके पास जाकर देखता है तो उसे बहुत बुखार था, तो वो उसे उठाकर डॉक्टर के पास लेकर जाता है और उसे अपने साथ लेकर घर चला जाता है। घर आकर, ये क्या लेकर आए आप? इस बकरी को क्यों लाए? हमें ही तो दो वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है और ऊपर से ये बीमार, इसका इलाज कहाँ से करवाएंगे? आपने क्या ठेका लेकर रखा है सबका? अरे भाग्यवान, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अब एक काम करो, उसे कुछ खाने के लिए लेकर आओ। हाँ अभी लाती हूँ, और कर भी तो क्या सकती हूँ। ऐसा कहकर गीता अंदर जाती है और उसके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आती है, साथ ही ढकने के लिए कपड़ा देती है। अरे वाह भाग्यवान, अभी तो बोल रही थी कि उसके क्यों लाया, और अभी देखो। गीता उन दोनों के हिस्से की एक एक रोटी और कुछ घास उस बकरी को डालती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रात के समय बकरी घर में आकर रघु और गीता को जगाने लगती है, लेकिन वो आवाज सुनकर रघु और गीता डर जाते हैं। वो डर कर यहाँ वहाँ देखने लगते हैं कि तभी बकरी, रघु रघु उठो, मैं कोई साधारण बकरी नहीं हूँ। रघु मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगी। रघु और गीता दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं कि तभी बकरी, डरो मत, मैं तुम्हारी बकरी ही हूँ। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस दो वक्त का खाना मिले, यही हमारे लिए बहुत है। बस अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं मांगोगी? अगले हफ्ते उसका जन्मदिन है, वो चाहता है कि दूसरे बच्चों की तरह भी उसका जन्मदिन मनाया जाए। अब बकरी अपना रूप बदल कर एक सुंदर परी के रूप में प्रकट होती है। उसका बदला रूप देखकर रघु और गीता चौंक जाते हैं। तभी परी, मुझे एक श्राप मिला था जिस वजह से मैं बकरी बन गई थी, जिसमें था कि जब तक मैं सच में किसी जरूरतमंद की मदद ना कर दूं, तब तक मुझे मेरा असली रूप नहीं मिलेगा। रघु गीता, तुम दोनों का दिल कितना साफ है, इतने गरीब होकर भी तुम्हारा दिल जानवरों के लिए बहुत तड़पता है। तुमने मेरी खूब सेवा की है, खुद भूखे रहकर मुझे खिलाया है। और अपने हाथों से एक अंगूठी निकालकर रघु को दे देती है और उससे, तुम्हें जो चाहिए तुम इस अंगूठी से मांग सकते हो, लेकिन इसका उपयोग सिर्फ तुम अच्छे कामों के लिए करो, गरीबों की मदद करो, और अगर किसी ने इस अंगूठी को चुराया तो उसका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और परी वहाँ से गायब हो जाती है। परी के जाने के बाद रघु का छोटा सा घर बड़ा बन जाता है। अब उनके पास सब कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, कि एक दिन गीता उस अंगूठी को खुद का खेत मांगती है। तभी उनके घर के पास एक खेत बन जाता है। अब रघु की तरक्की के चर्चे पूरे गांव में फैल जाते हैं। एक दिन गांव का जमींदार रघु के घर आकर रघु से, रघु, अरे ओ रघु, ऐसा क्या किया तुमने जो रातों रात इतने अमीर बन गए? रघु बहुत ही सीधा साधा इंसान था, वो जमींदार को सारी सच्चाई बता देता है। जमींदार घर आकर अपने सेवकों को उसके घर से अंगूठी चुराने के लिए कहते हैं। एक दिन रघु के घर में चोरी होती है और सेवक अंगूठी चुरा लेते हैं। रघु और गीता बाहर गए हुए थे, वो घर आकर देखते हैं तो अचरज में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनका घर पूरी तरह से फैला हुआ था। वो अंगूठी ढूंढने लगते हैं
तो उन्हें वो घर में कहीं भी नहीं मिलती। ये देख दोनों बहुत दुखी होते हैं। अब दिखाता हूँ मैं उस रघु के बच्चे को। अंगूठी को सोना और हीरे मांगता है। अपने सामने सोना और हीरे देखकर जमींदार खुश हो जाता है। अब जमींदार सारा सोना और हीरे अलमारी में रख देता है और दूसरे गांव चला जाता है। दूसरे दिन वो जब घर लौटता है तो देखता है कि उसके घर में आग लगी हुई है और सारा सोना जलकर राख हो जाता है। ये सब देखकर जमींदार दंग रह जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसे अपने लालच के कारण अपने पास जो कुछ भी था वो सब कुछ गंवाना पड़ा। ये बात समझ में आ जाती है और इसी कारण वो रघु की चुराई हुई अंगूठी उसे वापस लौटाने जाता है और उससे, अरे रघु, मुझे माफ कर देना भाई। मैंने ही अपने सेवक को बोलकर ये अंगूठी चुराई थी, लेकिन मैंने लालच में आकर अपना सब कुछ खो दिया भाई। मुझे माफ कर दो रघु भाई। रघु इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि उसकी अंगूठी फिर से उसे वापस मिल गई है। अब वो उस अंगूठी की मदद से सारे लोगों की मदद करने लगा। उसने गांव में गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोला, एक अनाथालय भी खोला और अपनी पूरी जिंदगी गरीबों की सेवा में समर्पित कर दी।